गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने गवर्नर फ्लाइविंग केयर एंड केटरिंग के न्यूमेरिकल्स के बारे में देख लिया था। ठीक है, अब हम आगे क्या करेंगे, अब हम आगे मैकेनिज्म जो पहला यूनिट है थ्योरी ऑफ मशीन्स के, उनके न्यूमेरिकल्स को भी देखेंगे। जैसे उसमें कई तरीके के आपके मैकेनिज्म हैं, जैसे कि क्रैंक एंड स्लॉटर डेवर विथ वुड टू क्रिटर मैकेनिज्म। तो इन दोनों के मैकेनिज्म से ही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम इन दोनों मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इनके न्यूमेरिकल एक एक दो न्यूमेरिकल दोनों मैकेनिज्म से हम देखेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं फिर। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सबसे पहले न्यूमेरिकल हम ये देखते हैं, समय थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक, सबसे पहले न्यूमेरिकल है 5.5 एग्जांपल है। ठीक, हम एग्जांपल देखते हैं। कहता है कि इन अ क्रैंक एंड स्लॉटर लीवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म द डिस्टेंस बिटवीन फिक्स्ड सेंटर इज 240 mm एंड द लेंथ ऑफ ड्राइविंग क्रैंक इज द डिस्टेंस बिटवीन फिक्स सेंटर। ठीक है, फिक्स सेंटर क्या है, एक ये और एक ये। ठीक है, ये क्रैंक जहाँ कनेक्टेड है और ये जो स्लॉटर लीवर जहाँ कनेक्टेड है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दे रखा है वो दे रखा है 240 mm। ठीक है, 240 mm एंड द लेंथ ऑफ ड्राइविंग क्रैंक। लेंथ ऑफ ड्राइविंग क्रैंक क्या है, ड्राइविंग क्रैंक ये AP1 BC1 है, क्रैंक तो ये हो गया ना, ड्राइविंग क्रैंक तो ये हो गया, ये हमारा ड्राइविंग क्रैंक है। ठीक, इसकी लेंथ हमें क्या दे रखी है, 120 mm हमें दे रखी है। फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ द स्लॉटेड बार विद द वर्टिकल इन द एक्सट्रीम पोजिशन एंड द टाइम रेशियो ऑफ कटिंग स्ट्रोक टू रिटर्न, मतलब क्विक रिटर्न रेशियो। इफ द लेंथ ऑफ स्लॉटेड बार हमें कितना दे रखा है, लेंथ ऑफ स्लॉटेड बार है 450 mm। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रोक इफ द लाइन ऑफ स्ट्रोक पासिस थ्रू द एक्सट्रीम पोजिशन। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, कि हमें ये निकालना है ये एंगल, अगर हम इसे अल्फ़ा बाई टू मान लेते हैं, मतलब टोटल कटिंग स्ट्रोक को हम अगर अल्फ़ा लेते हैं तो हाफ इस ट्रायंगल में अगर हम देखेंगे तो ये जो एंगल हो जाएगा वो हाफ अल्फ़ा बाई टू हो जाएगा। ठीक, ये 90 डिग्री होगा क्योंकि एक्सट्रीम पोजिशन पर सर्कल जो अंदर क्रैंक के थ्रू जो सर्कल बनना है उसके टेंजेंट होगा, तो वो वहाँ पर क्रैंक और स्लॉटर लीवर एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो बाकी जो एंगल बच गया वो क्या बच गया, 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा बाई टू। तब हमारा काम अभी क्या है, हमें सबसे पहले अल्फ़ा निकालना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो हमें पता है, हमारा सबसे पहले काम क्या है, अल्फ़ा निकालना है। तब एक चीज़ देखोगे, ये हमारा क्या है, ये एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक, अब राइट एंगल, अरे इस तरीके से है, राइट एंगल ट्रायंगल से हमें ये डिस्टेंस पता है BC1, यहाँ पे क्या ऐसे है, ऐसे ये हमारा कुछ इस तरीके से है। ठीक, ये तुम्हारा CB1 और ये हमें AC दे रखी है, कितना दे रखा है, 240 mm, और BC दे रखा है कितना, 120 mm, और एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो क्या हम इस एंगल को बड़े, यही हमारा अल्फ़ा बाई टू है, अल्फ़ा बाई टू नहीं निकाल सकते। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल का ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है, तो कॉस अल्फ़ा बाई टू क्या हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा बाई टू इज इक्वल टू बीस अपॉन, यानी कि BC1 अपॉन AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC1 क्या है,
बी सी वन हमारा 120 है अपॉन ए सी क्या है 240 है, ठीक ए सी क्या है 240 है। तो यहाँ से हमें कॉस अल्फा बाई क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा बाई टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.5, ठीक। और कॉस की वैल्यू 0.5 किस पॉइंट पे होती है, कॉस साइन 30 डिग्री की वैल्यू 0.5 होती है, तो कॉस 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री, ठीक। तो यहाँ से अल्फ़ा बाई टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक अल्फ़ा बाई टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ हमें ये मिल गई कि अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आएगी 120 डिग्री। अब हमें ये निकालना था, सबसे पहला क्वेश्चन हमें ये पूछा था कि हमारा जो फ्लोटेड वायर है वो वर्टिकल से कितने एंगल से एक्सटेंड कर रहा है, तो वो कैसे था 90 माइनस अल्फ़ा बाई टू, ये एंगल क्या था 90 माइनस अल्फ़ा बाई टू। अब हमें पता है अल्फ़ा बाई टू कितना आया था, या अल्फ़ा अल्फ़ा की वैल्यू 120 है तो बाई टू 60, मतलब इसकी मतलब इक्वल आ गया 30, मतलब ये जो एंगल है, ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है, ये फ्लोटेड बर्थ हमारा वर्टिकल एक्सिस से सबटेंड कर रहा है 30 डिग्री, ठीक है। पहला पार्ट निकल गया, अब हमें दूसरा चाहिए कुक रिटर्न रेशियो फाइंड आउट करना है। तो एक चीज़ बताओ, हमें अल्फ़ा मिल गया 120 डिग्री, ठीक, तो बीटा क्या हो जाएगा 360 माइनस 120 बराबर 240, ठीक 240 आ गया। क्विक रिटर्न रेशियो क्या होता है, क्विक रिटर्न रेशियो क्या होता है, टाइम ऑफ कटिंग स्ट्रोक अपॉन रिटर्न स्ट्रोक। कटिंग स्ट्रोक कब होगा, जब ये इस डायरेक्शन में आगे की रिमूव करेगी, तो ये क्या होगा स्लाइडर इस डायरेक्शन में मूव करेगा, यही हमारा कटिंग स्ट्रोक होगा। तो ये एंगल कितना है, ये तो नीचे वाला अल्फा है, तो नीचे ऊपर वाला कितना है 240, क्विक रिटर्न रेशियो क्या होगा, क्विक रिटर्न रेशियो क्या होगा, क्विक रिटर्न रेशियो क्या होगा इज इक्वल टू कटिंग स्ट्रोक अपॉन रिटर्न स्ट्रोक, कटिंग स्ट्रोक अपॉन रिटर्न स्ट्रोक। तो जब हम फॉर्मूला, तो मतलब क्या हुआ, अगर एंगल के फॉर्म में अगर ये नीचे वाला अल्फ़ा है तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा बीटा, तो हम क्या कहेंगे बीटा अपॉन अल्फ़ा, ठीक। तो बीटा कितना है क्यू आर आर, बीटा कितना है 360 माइनस अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा, ये कितना आया था 240 डिग्री अपॉन 120 डिग्री, डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा 2, मतलब इस क्वेश्चन में हमारा क्विक रिटर्न रेशियो कितना आ गया, सॉरी क्विक रिटर्न रेशियो हमारा कितना आ गया 2। तो हमें पहला पार्ट और दूसरा पार्ट दोनों के क्वेश्चन के लग गए, मतलब कहने का मतलब है यहाँ तक ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ये कहता है कि इफ़ द लेंथ ऑफ फ्लोटेड बार 450 mm है, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रोक इफ द लाइन ऑफ स्ट्रोक पासेस थ्रू द एक्सट्रीम पोजिशन ऑफ फ्री एंड ऑफ लीवर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, लाइन ऑफ स्ट्रोक फाइंड करना है, ठीक है। लाइन ऑफ स्ट्रोक हमें पता है ये R1 से R2 या कह लो P1 से P2, ठीक है, R1 से R2 या P1 से P2। और बात यहाँ पे हो रही है क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म की, तो मैंने एक चीज़ बताया था, जब भी क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म की बात हो, ठीक है, तो हम उसका स्ट्रोक लेंथ, स्ट्रोक क्या होता है 2 क्रैंक इंटू लेंथ ऑफ स्लॉटेड लीवर, स्लॉटेड लीवर अपॉन सबके अपॉन लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड, ठीक लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड। तो यहाँ पे हमें देखो कनेक्टिंग रॉड की लेंथ पता है क्या, ए बी वन की लेंथ हमें पता है, नहीं, हमारा कनेक्टिंग रॉड ये है ना, कनेक्टिंग रॉड हमारा ये है, ठीक कनेक्टिंग रॉड हमारा ये है। तो स्ट्रोक क्या हो गया,
स्ट्रोक क्या हो गया, 2 into लेंथ ऑफ क्रैंक, लेंथ ऑफ क्रैंक एंड बी वन सी की वैल्यू क्या है 120 into लेंथ ऑफ स्लॉटेड लीवर यानी कि 450 अपॉन लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड कितना है, मतलब ए सी के 240। ठीक, तो ये क्या है, कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 into 240 बच जाएगा 450 mm। ये देखो 450 mm हमारा क्या आ गया, स्ट्रोक आ गया। तो यहाँ से हमारा अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई, अल्फ़ा माइनस जो वो एंगल था नीचे वाला वो एंगल कितना आ गया 30 degree। ठीक, क्यू रिटर्न क्विक रिटर्न रेशियो क्या आ गया 2 और स्ट्रोक कितना आ गया, स्ट्रोक आ गया 450 mm। इस तरीके से हमारा तीनों पार्ट इस क्वेश्चन का निकल गया। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये वाला ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन जो हम देखेंगे इसको देखेंगे, ये भी क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर का है ये। ठीक है, देखो फिगर 5.30 क्या है ये, सो इज द लेआउट ऑफ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म ऑफ द ऑस्किलेटिंग लिंक टाइप। ऑस्किलेटिंग लिंक किसमें होता है, क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर में। उसमें क्रैंक क्या है 360 degree मूव करता है, ठीक है, और स्लॉटेड लीवर क्या होता है वो सिर्फ ऑस्किलेट करता है फॉर ए स्पेशल पर्पस मशीन। द ड्राइविंग क्रैंक बी सी ठीक इस 30 mm बी सी, ये तुम्हारा 30 mm है ठीक, एंड टाइम रेशियो ऑफ वर्किंग टू रिटर्न। अब यहाँ पे देखो क्विक रिटर्न रेशियो हमें पहले से दे रखा है इक्वल टू 1.7। इफ द लेंथ ऑफ वर्किंग स्ट्रोक, लेंथ ऑफ वर्किंग स्ट्रोक मतलब हमें स्ट्रोक भी दे रखा है कितना दे रखा है 120 mm। तो हमें निकालना है एसी और बीसी का डायमेंशन। एसी हमारा क्या है, एसी तुम्हारा ये कंडक्ट कनेक्टिंग रॉड, और एपी क्या है स्लॉटेड लीवर की डायमेंशन। ये दो चीज़ें हमें निकालनी हैं। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्यू आर आर दे रखा है 1.7। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 360 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा, ये हमारा क्या है रिटर्न स्ट्रोक है। ठीक है, ये हमारा है क्या रिटर्न स्ट्रोक। तो यहाँ से हम अल्फा निकाल लेंगे, ठीक है, कितना आ जाएगा 1.7 इजकल टू 360 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा, मतलब 1.7 अल्फा इजकल टू 360 माइनस अल्फा, इस अल्फा को उधर भेज दो तो ये 2.7 अल्फा हो जाएगा, 2.7 अल्फा इजकल टू 360। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 360 अपॉन 2.7। ठीक, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3600/27। तो ये 3 times जाएगा, 9 से डिवाइड करने पे ये 4 times जाएगा। ठीक है, ये कितनी बार जाएगा इक्वल टू 1400/3 मतलब 1.33 degree अल्फा की वैल्यू आ गई। ठीक, अल्फा की वैल्यू हमें मिल गई 133.33 degree। ठीक, 2 decimal places तक हम लेंगे। हमें निकालना क्या क्या है, हमें निकालना एसी का लेंथ। ठीक, तो अब ये बताओ हमें BC1 पता है, BC का लेंथ हमें पता है, लेंथ ऑफ ड्राइविंग क्रैंक की लेंथ पता है, एंगल अगर हमें मिल जाए,
अल्फ़ा की वैल्यू 133.3 डिग्री हमें मिल गई है, तो क्या हम एक राइट एंगल ट्रायंगल से अगर एक साइड पता चल जाए और एंगल पता चल जाए तो हम तीसरा या साइड नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा BC क्या है? BC हमारा कितना है? 30 mm। ठीक, अल्फ़ा कितना है? 133.3 mm। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमें AC निकालना है। तो ये बताओ cos अल्फ़ा बाई टू क्या होगा? BC/AC। ठीक, अब हम इसमें यहाँ रखेंगे cos 133.33 बाई टू। BC कितना है? BC है 30 mm। BC/AC। तो यहाँ से हमें AC कितना आएगा? AC हमारा यहाँ से 75.7 mm आता है, 75.7 mm आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमें क्या आ गया? ये हमारा क्या है? लेंथ ऑफ AC, या कह लो कनेक्टिंग रोड, लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रोड हमारा ये मिल गया। ठीक, अब ये हमें मिल गया। अब हमें एक चीज़ और क्वेश्चन में दे रखा है, वर्किंग स्ट्रोक हमारा 120 mm दे रखा है, वो किसके बराबर होता है? 2 × क्रैंक लेंथ × स्लॉटेड लीवर लेंथ अपॉन कनेक्टिंग रोड लेंथ। ठीक, अब इसमें क्रैंक की लेंथ पता है, कनेक्टिंग रॉड की लेंथ पता है, ये वैल्यू पता है, बड़े आराम से हम स्लॉटेड लीवर का लेंथ निकाल देंगे। मतलब 120 = 2 × क्रैंक कितना है? 30। स्लॉटेड लीवर को SL लिख देते हैं, अपॉन कनेक्टिंग रॉड की लेंथ कितनी है? 75.7। तो यहाँ से SL क्या हो जाएगा? 120 × 75.7 / 60। यहाँ से AP कितना आ जाएगा? 151.4 mm। इस तरीके से हमारा क्रैंक एंड थ्रॉटल लीवर के दो क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे विथ वर्क क्विक रिटर्न मैकेनिज्म का।